नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो क्या है प्रोसेस, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, सारी डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, और अपने दोस्त को सपोर्ट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप इसका एप्लीकेशंस फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो जो वैकेंसी है, ये किसके द्वारा वैकेंसी को निकाला गया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी को IIT भुवनेश्वर के द्वारा वैकेंसी को निकाला गया है। ओके, IIT भुवनेश्वर के द्वारा वैकेंसी को निकाला गया, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये इसका वेबसाइट होने वाली है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के द्वारा वैकेंसी को निकाला गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करना है, और इसके जो इसमें जो नोटिस बोर्ड है, इसके अंदर आपको वैकेंसी के बारे में दिया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग पोस्ट। ओके, इस बारे में वैकेंसी के बारे में बताया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी और आउटसोर्स के द्वारा इस पोस्ट को निकाला गया है। ओके, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैकेंसी को IIT भुवनेश्वर के द्वारा वैकेंसी को निकाला गया, कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग पोजीशंस होने वाली है, जिसका एडवर्टाइजमेंट 23/7/2020 को रिलीज किया गया है। ओके, इसमें दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्रू आउटसोर्स बेसिस। ओके, और वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हो, स्टाफ नर्स अदर भी इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है, बट अपन ओनली स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट टू पोस्ट इसके अंदर होने वाली है। ओके, जिसमें 25,000 से आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से पेमेंट इसमें दिया जाएगा, और थ्रू द आउटसोर्स के हिसाब से ये वैकेंसी होने वाली है। अब इसमें क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। इसके अंदर 10+2 आपके पास होना चाहिए, 3 ईयर का GNM या 5 या 4 ईयर का जो BSc नर्सिंग, वो आपके पास में फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। इसके अंदर 5 ईयर का दोनों GNM हो या BSc नर्सिंग, दोनों कैंडिडेट से 5 ईयर का गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, रेस्पेक्टेड रेपुटेटेड हॉस्पिटल, इन सभी का आपके पास में एक्सपीरियंस, कोई भी एक एक्सपीरियंस आपके पास में होना ज़रूरी है। ओके, और अपर एज लिमिट 35 ईयर इसमें रखी गई है, तो ऐसा नहीं है कि एज लिमिट भी इसमें कम है, एज लिमिट अच्छी है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे सेंड करना है, ये भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको कंप्लीट फुली फिलअप करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका। ओके, जिसमें आपका सलेक्शन वीडियो कॉलिंग के द्वारा इसमें होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म का आपको कंप्लीट फुली फिलअप करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या आपको अप्लाई करना है, ये जो स्काइप ID है, ये आपको सही भरना है, जिससे कि आपसे उसमें इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा, इसलिए कॉन्टेक्ट कर सके। ओके, तो और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, इसके साथ में सारे स्कैन कॉपी ओरिजिनल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से उनका स्कैन करके उसको PDF बनाना है, और जो GMAIL ID घेरे के अंदर आपको दी गई है, recruitment@IITBBS.ac.in, इस पर आपको 4 अगस्त 2020 से पहले आपको सेंड कर देना है। ओके, और आपको जो आपके स्काइप, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है, तो स्काइप ID आपको इसमें डालना है। ओके, तो ये कंप्लीट वैकेंसी के बारे में, और इसमें जो रिटायर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, 65 ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड कैंडिडेट, उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है कम्प्लीट वैकेंसी के बारे में। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा जिसमें अगर आपको डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स, ये चैनल है जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, तो इसमें ऑल इंडिया में एक वैकेंसी हो या दो वैकेंसी, आपके लिए इसमें वीडियो बनाना ज़रूरी है। ओके, तो दो वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, किसी के तो काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद फ्रेंड्स।